अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं नॉर्थ मैंगलोर की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो कर रहे हैं। नानु जो एन एस नम इंचार्ज आगे ना एसी प्रधान कार्यदर्शी जो नॉर्थ बैंगलोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में मुमकिन है कि यहां संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन जगहों पर कर्नाटक में गए हैं वो दरअसल वो जगह हैं जहां प्रवासी राजस्थानियों की संख्या काफी ज्यादा है बैंगलोर के अंदर। इसके अलावा 25 के आसपास सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां प्रवासी राजस्थानियों की संख्या काफी ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर जबरदस्त क्रेज कर्नाटक के अंदर दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही हैं, सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी जो योजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र उन्होंने कहा। उन्होंने खुलकर कहा कि भाई कंपैरिजन हो जाए बीजेपी राज्य की योजनाओं का और कांग्रेस शासित राज्यों की योजनाओं का। उन्होंने आज जमकर कर्नाटक में करप्शन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि किस राज्य में ऐसा होता है कि जहां की सरकार इसलिए बदनाम हो कि वहां 40% करप्शन है, 40% वसूली होती है और ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से वहां इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जमकर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए। नॉर्थ मैंगलोर की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नॉर्थ मैंगलोर कर्नाटक से दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां संबोधित करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम आपको सियासी गणित भी समझा रहे हैं। 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना होनी है। अगर बात की जाए कर्नाटक के रण की 224 सीटों में से लिंगायत सीटों पर 76 ऐसी सीट है जहां लिंगायत बाहुल्य है, वोकालिंगा 54 सीटें। इसके अलावा अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 118 विधायकों के साथ बीजेपी वहां सरकार में है। दलित वोटिंग परसेंटेज 18% है, मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज वहां 13% है। हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस इलाकों के अंदर मुख्यमंत्री का रोड शो है वहां माना जाता है कि प्रवासी राजस्थानियों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या वो क्रेज मुख्यमंत्री को लेकर वहां दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने और सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं राजेंद्र, और क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों की संख्या ज्यादा है इसीलिए इसको रोड शो कार्यक्रम बनाया गया, जिससे कि गली गली में जाकर हर इलाके में जाकर जिस जगह पर अभी नॉर्थ बेंगलोर में अशोक गहलोत रोड शो कर रहे हैं वहां सभी से मुलाकात कर सकें। अभी इस समय क्योंकि अजान चल रही है इसलिए जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने अपने भाषण को रोक लिया है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं अशोक गहलोत को सुनने के लिए देखने के लिए, खासकर प्रवासी राजस्थानियों की मौजूदगी काफी। शिवेंद्र, आपने लोगों से वहाँ बातचीत की होगी, किस तरीके का रुझान आपको दिखाई दे रहा है? देखिए विजेंद्र, एक दो दिन में जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो मिला जुला रुझान है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बातचीत करके ये लग रहा हो कि किसी पार्टी की लहर चल रही है। खासकर अब मैं जिस कार्यक्रम में मौजूद हूँ यहाँ अगर आप लोगों से बात करेंगे तो जाहिर तौर पर वो यही कहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के वर्कर हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन इसी शहर में मंगलुरु में जहाँ आज अशोक गहलोत हैं वहाँ कल नरेंद्र मोदी की भी पब्लिक मीटिंग होनी है, तो मिला जुला माहौल है। लेकिन ये तय है कि कर्नाटक का चुनाव इस बार दिलचस्प है, किसी पार्टी ने अलायंस नहीं किया, जेडीएस भी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और ये तय माना जा रहा है कि जेडीएस भी 30 से 35 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तो अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत कर्नाटक में नहीं मिला तो सत्ता की चाबी एक बार फिर, जैसा कि कई बार हमने कर्नाटक में देखा है, जेडीएस के पास होगी, कुमारस्वामी के पास होगी। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश यही है कि अगर सरकार यहाँ पर बने तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। अच्छा शिवेंद्र, एक और सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां है, पीसीसी चीफ डोटासरा है, उसके अलावा जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का है, उनकी भूमिका जरा समझाइए कर्नाटक के अंदर क्या है? देखिए मैंगलोर का जो दौरा है विजेंद्र, इसमें गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है कि वो आज सुबह बेंगलुरु से जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है। नीरज डांगी क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस आला कमान ने अलग अलग सांसदों को, चाहे वो राज्यसभा के हों लोकसभा के हों, उनको कर्नाटक के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। तो क्योंकि नीरज डांगी को कांग्रेस आला कमान से जिम्मेदारी मिली है, खासतौर पर उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक में हैं,
स्पेशली वो आपको मंच पर नजर आ। अजय शिवेंद्र, मुख्यमंत्री यहाँ जो संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, क्या रोड शो की तस्वीरें या पब्लिक मीटिंग की तस्वीरें? देखिए, जो कर्नाटक में जो ट्रेंड है रोड शो का विजेंदर, वो इसी तरीके का है कि आप रोड पर एक ट्रक खड़ा कर लीजिए, उसमें स्टेज बना लीजिए, उस पर आप माइक लगा दीजिए और खुली जगह आसपास जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी आपके भाषण को सुन सके। डोर टू डोर जो रोड शो होता है वो अभी तक अपने कर्नाटक में नहीं देखा, तो ये यहाँ परंपरा इसी तरह की है और इसको रोड शो का नाम दिया। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस रोड शो के अलावा और क्या कार्यक्रम आज का? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉर्थ मैंगलोर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, मुमकिन है कि कुछ ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। उनके साथ सांसद, राज्यसभा सांसद नीरज डांगिया, जिनको वहां जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री को लेकर प्रवासी राजस्थानियों में जबरदस्त क्रेज नजर आया, और आज बाकायदा जब हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे, तो उस दौरान भी ओपीएस का जिक्र आया, हिमाचल में ओपीएस की भूमिका का जिक्र आया, और हिमाचल के जीत में ओपीएस की एक बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री खुद भी बताते नजर आए। तो क्या उसी तर्ज पर कर्नाटक के अंदर भी ओपीसी ओपीएस का मामला कांग्रेस की सरकार को रिपीट वहां ला सकता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि ये राजस्थान से जिनको स्टार प्रचारक की भूमिका दी गई, उनमें दो बड़े चेहरे थे, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और दूसरा राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, और ये अक्सर देखा गया है कि जहां भी चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं, क्योंकि जिस सादगी के साथ वो अपने विकास के कार्यों को गिनाते हैं, उतनी ही सादगी के साथ वो विरोधियों पर हमले भी करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले किए। अब सवाल यह है कि इन हमलों का, इन वार पलटवार का जनता पर क्या असर होता है? ये पहला रुझान जो है 10 मई को वोटिंग परसेंटेज के साथ समझ में आएगा, और जो कंफर्मेशन है वो होगी 13 मई को, क्योंकि 13 मई को यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि वहां किसके भाषण, किसके बयान, किसके आरोप, किसके वादे, किसकी घोषणा का असर वोटर्स के जहन पर हुआ, और वोटर ने किस आधार पर किसको वोट किया। वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, लिंगायत तो 76 सीट पर, वोकालिंगा 54 सीट पर, दलित 30 सीट पर, ओबीसी 13 सीट पर, कुर्बा 3 सीट पर, मुस्लिम 13 सीट पर। ये दरअसल वहां के आंकड़े, वर्तमान स्थिति जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 224 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिली हुई हैं। दलित मुस्लिम 18% और 13%, लिंगायत 11%, इसके अलावा आदिवासी 8%, मराठा 3%, सामान्य 5% और कुर्बा 7% वोटिंग परसेंटेज वहां है। और माना जा रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों की संख्या वहां 10 से 12 लाख के आसपास है, कुछ सीटों पर यह संख्या डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर है। कुल आबादी में 3 से 4% के आसपास प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका है, भागीदारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के झंडे को थामते हुए आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हिना दली जी, मेंबर पार्लियामेंट नीरज डांगी जी, एमएलसी मंजूनाथ जी, एमएलए जिलाध्यक्ष, तमाम उपस्थित हजरात भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी आप सुन रहे थे नीरज डांगी जी को, रमेश जी को मंजूनाथ और कन्नड़, और ये हमारी खासियत है पूरे देश के अंदर, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम,
कहीं तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं गुजराती, पंजाबी, बंगाली भाषाएं हैं, हिंदी भाषाएं हैं। उसके बावजूद भी हम लोग पूरे देश के अंदर एकजुट हैं, एक अखंड देश है। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया के देश जो है लोग मानते हैं हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला मुल्क है, पर यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग मिलते रहते हैं, रहना चाहते हैं। ये हमारी लोकतंत्र की जमुनी की बहुत खूबी है। कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने सोच समझ के इनियाज भाई को टिकट दिया। आपने इस अपने के साथ में आप सबके ऊपर विश्वास किया है। आप सबका आशीर्वाद, आपका दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपका सपोर्ट इंदिरा गांधी जी साथ रहेगा। ये यहाँ जीत को जाएंगे, कामया होकर जाएंगे, एमएलए बनेंगे और एमएलए बनने के बाद हम ये सब कहने आए हैं। इंदिरा गांधी का आप जानते ज्यादा, ये जहाँ जीतने की बात नहीं, आपके बीच आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। और जो बेंगलोर की सीट है जहाँ के उम्मीदवार कैंडिडेट बने, वहाँ के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। यही होता है एक उम्मीदवार की अपेक्षा, उसमें खड़ा उतरेंगे। मुझे दो दिन से आने का मौका मिला है कर्नाटक के अंदर, सब जगह माहौल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल है और लोग इंतजार करते हैं 10 तारीख का वोट देने का। मुझे पूरा यकीन है कि आज जो सरकारें कांग्रेस की इजाज है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, वो गुड गवर्नेंस दे रही है, अच्छा काम कर रही है। मैंने आज चैलेंज किया मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप धर्म के नाम पर लोग भड़का सकते हो वोट लेने के लिए, पर सुशासन मिले, अच्छा शासन मिले, लोगों की भलाई हो, लोग परेशान नहीं हो, पानी पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी बने, विकास हो क्षेत्र का, वो सुशासन जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं वहाँ ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको बीजेपी से। इतने चुनाव लड़ने का तय किया हम लोगों ने, लोकल इश्यू क्या है मैं आपसे भी अपील करूंगा। आपने इतना जोर से देखा है कि छोटी रात में आप लोग अभी रोड शो कर रहे थे, जाने के बाद में जो आपका जोश उत्साह है, आप लोग इसको बनाए रखे 10 तारीख तक, एक एक वोट घर से ला के दिलवाएं इंदिरा भाई को, गरीबों को कामयाब करें। हमारा मैनिफेस्टो आज आ गया है, शानदार मैनिफेस्टो है हमारा, शानदार वादे किए गए जनता से, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं हमने कई स्कीम ज्यादा रखी राजस्थान में, उनमें कई स्कीमें यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में आई है। अभी मैंने हमारे मीडिया के साथियों से कहा कि जो स्कीम आई है मैनिफेस्टो में राजस्थान की तरह, राजस्थान से अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्यादा मजबूती से वो कामयाब होगी, क्योंकि कर्नाटक इससे भी आर्थिक रूप से राजस्थान से ज्यादा मजबूत है, इसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ विकास आप कहकर मंत्री बन पाएंगे मैंगलोर से, ये मैं कह सकता हूँ। एक चीज जीती खाली, 13 में से एक चीज जीती मैंगलोर, बताइए आप सरकार बनाएंगे इस बार? आपके यहाँ के मंत्री बने, केंद्र में सरकार बनेगी तो आपके यहाँ के वापस जनार्दन पुजारी की तरह, विजय मौली की तरह मंत्री बनेंगे और हम सब मिलकर के देश के लिए संकल्प किया हुआ है कांग्रेस का, बड़े बड़े नेताओं का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आजाद का और अमेरिका के सामने बनाया संविधान, उसी से देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो खालिस्तान नहीं बनने दिया हमारे, अपनी जान दे दी उन्होंने, राजीव गांधी सही तरह देश के लिए, इतना त्याग और बलिदान करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये हमें एहसास होना चाहिए तमाम प्रदेश राज्यों और देशवासियों को। इतने कहना चाहूंगा, कहने में बहुत सारी बातें हैं तो आप लोग सब समझदार हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, क्या हो रहा देश के अंदर, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं लोग, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। आज महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा है,
राहुल गांधी की यात्रा थी, बात जोड़ो यात्रा, क्या इशू थे, चार इशू थे, एक महंगाई का था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, और अमीर गरीब जो है उनके बीच में खाई नहीं बननी चाहिए। वही मुद्दे लेके मैंने मेरा पहले पीसी का राजस्थान के अंदर उनकी तारीफ सुनने हो रही है। अभी नवीन चेहरे के बारे में तारीफ कर रहे थे, तो हमने बजट पेश किया है, चारों पॉइंट लेकर किया है। मैं चाहूंगा आपकी सरकार ने मैन्युफैक्चर दिया है वो उसी रूप में दिया है। राहुल जी की यात्रा बहुत शानदार रही थी आपके कर्नाटक के अंदर, मैं भी आपको बता नहीं चाहूंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कभी सात आठ बाकी है, छह सात दिन बाकी है, तमाम कार्यकर्ता हमारे इनायत भाई को जितने घर में जाकर के आप लोग प्रचार करें, प्रचार करें, टेम्पलेट जमा के दिए आप लोगों को वो बंटवाएं, सबका दिल जीते, आपके क्षेत्र के निवासियों का, पंचायतों का भारी बहुमत से कामयाब के आए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से इनायत भाई को शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका कार्यक्रम भारी बहुमत जीतेंगे और आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक तरीके से श्योरिटी दी गई है कि हमने जो वादे किए हैं राजस्थान में हम पूरे किए हैं और पूरे कर भी रहे हैं, जो वादे अधूरे रह गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कर्नाटक की जनता से हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री को आपने सुना, और यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भी संभाली हुई है। दरअसल स्टार प्रचारक की लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम, और स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री फिलहाल कर्नाटक की जनता के बीच में है। और यहाँ पर जिस जगह पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है वहाँ पर प्रवासी राजस्थानी भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में मुख्यमंत्री का प्रभाव उन पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर प्रवासी राजस्थानी पहुंचे हुए हैं। उनको संबोधित मुख्यमंत्री ने किया है। एड़ी चोटी का जोर हर एक पार्टी की तरफ से लगा दिया गया है कर्नाटक में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सरकार रिपीट हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कमान संभाली हुई है प्रचार की बीजेपी की तरफ से। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, उन्होंने संबोधित किया और यहां पर तमाम दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया है कर्नाटक का चुनाव, और ऐसे में बाजी कौन मारेगा ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर एक पार्टी की तरफ से अपनी अपनी तरीके से कोशिश की जा रही है। और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी क्या कुछ कह रहे हैं, वो जनता को क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 10 तारीख को वोटिंग करेंगे आप लोग, और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पर आपके बीच में आएंगे। आपकी हर तकलीफ, हर दुख दर्द, हर यहाँ के डेवलपमेंट के काम के लिए हम यहाँ पर मंचासीन उत्तरदायित्व रहेंगे, ये आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ನೀರಜ್ ಡಾಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು।